JavaScript का काम क्या है? Why we need JavaScript on a web page? It is used for make the web page interactive. Interactive का मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेटर, जैसे कि हमसे कोई कम्युनिकेट करता है, जैसे एक वेलकम बताया, जैसे ये पूछ रहा है भाई आपका नाम बोलो, ठीक है, तो ये हमें वेलकम कर रहा है ना, लाइक दिस वेलकम किया, और साथ में ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, ये कैसे होगा बताते हैं, ठीक है ना। एक ये हुआ, जैसे ये है लेट अस सी विद, देखो अब ये जैसे ही रेड के ऊपर ये गया, क्या हो गया, ये देखो माउस पॉइंटर खाली आगे से जा रहा है, क्या हो रहा है, ये मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पासिंग द माउस पॉइंटर फ्रॉम हियर, राइट। तो ये बिकॉज ऑफ द जावा स्क्रिप्ट इट इज़ पॉसिबल। ये एक तो दूसरा सब्ट्रैक्टर देखो क्या डाला है, एंटर नंबर 343 डालो, 23 सब्ट्रैक्ट करो, देखो आंसर आया 320, कैलकुलेटर की तरह, राइट, ये क्लियर कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये कैलकुलेशन भी कर रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द जावा स्क्रिप्ट। नाउ अगेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे सबमिट किया यहाँ पे, अच्छा ये वैलिडेटेड नहीं है, ये वैलिडेटेड फॉर्म है, जैसे ही सबमिट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कल एरर दे रहा था, राइट, यूज़र नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, तो यहाँ पे जैसे ही यूज़र नेम शुड नॉट बी ब्लैंक है, तो यहाँ पे देखो सबमिट किया, ओके, तो कर्सर भी यहीं पे आ जाता है, आपने यहाँ यूज़र नेम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सबमिट कर रहे हैं एरर दे रहा है, और सीधा कर्सर भी वहाँ ले जा रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये कर्सर भी वहाँ ले जाता है, राइट। उसके बाद में जैसे सबमिट करते हैं तो ये कन्फर्मेशन बोल रहा है, और ये कन्फर्मेशन जब अलग होगा बोलता है शुड मैच, ठीक है ना। तो ये सारा सारा हमारा जावास्क्रिप्ट थ्रू पॉसिबल है। तो कैसे है, लेट मी शो यू। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सिंपली आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि जैसे हम इसमें कर रहे थे कंपोजर में बिना कोडिंग के, ना, यहाँ आपको कोडिंग देना ही पड़ेगा, कोडिंग करना ही पड़ेगा, ये प्योरली कोडिंग के साथ होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कंपोजर हमारे लिए ऑटोमेटिक कोड तैयार कर रहा था तो हो जाए। यहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड दिखा देता हूँ, वैलिडेटेड फॉर्म का, ये फॉर्म बनाया हमने, देखा ये फॉर्म तो ऐसे बना लिया, ये तो आ जाएगा आपको। अब इसके जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है, राइट, वो यहाँ पे देखेंगे। अब इसका मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट टैग लिया है, देखो ये स्क्रिप्ट देख रहे हो, स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट मैं यहाँ से कॉपी करके पहले बाहर आपको समझा देता हूँ, मैं इसको अलग से नोटपैड में जाके ले जाके पेस्ट करता हूँ, समझाऊँगा आपको, ठीक है। ये क्या चीज़ है, स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है कंपलसरी आपको, ये यहाँ बॉडी के अंदर, राइट, या हेड के अंदर, राइट, देख रहे हो ये स्टाइल टैग है, ये CSS के लिए, ये CSS पूरा कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट लिखा है, क्या लिखा है, टैग लिया है, कंपलसरी ये कोडिंग लिखनी ही पड़ेगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये ऑटोमेटिक आपके लिए करेगा। अब यहाँ एक फंक्शन बनाया वैलिडेट फॉर्म, ये देखा ना मैंने वैलिडेट फॉर्म, ये क्या है, एक फंक्शन का नाम है, ओके। इसके बाद ये देख रहे हो डबल स्लैश लगाया है, ये इसको कमेंट बोलते हैं, कमेंट मतलब ये हम अपने लिए लिख रहे हैं, ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, राइट। ये देख रहे हो डबल स्लैश लगा के आगे, ये सिर्फ हमने हमारे लिए लिखा है। अब आपको क्या है, देखो VAR, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ VAR, वेरिएबल कीवर्ड है, वेरिएबल नहीं, ये कीवर्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल, और ये क्या है FM, ये नेम ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम FM, वेरिएबल का नाम UN, वेरिएबल का नाम ST, वेरिएबल का नाम CP, वेरिएबल का नाम AD। तो ये क्यों दिए हैं, FM मतलब किस, क्या लिखा है, वेरिएबल फॉर फॉर्म, UN क्या लिखा है, वेरिएबल फॉर यूज़र नेम, देखो SP मतलब सेट पासवर्ड, CP मतलब कंफर्म पासवर्ड, और AD मतलब एड्रेस बॉक्स, इनके लिए वेरिएबल। हाँ बोलो, कोडिंग ही करनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट में बेटा, आपको सिंपल लिख के दिया है, मैं इसको लिख के रख, ये हटा सकता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये सारा ऑप्शनल है। तो मैंने क्यों लिखा है, ताकि आप कमेंट इसलिए लिखता हूँ कि कोई पढ़े तो उसको समझ में आए कि क्यों लिखा है, ये आपके लिए, मैंने पहले ही बोला ना डबल स्लैश लिखा है ना, ये कमेंट है, कंप्यूटर के लिए नहीं है, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैंने क्यों लिखा मैंने आपको बताया, अभी बताओ आप मुझे बता सकते हो कि मैंने ये AD क्यों लिखा, कैसे, वो तो मैंने पहले बताया था, अभी नहीं लिखा, वो तो आपने पढ़ लिया एक बार, अब कैसे बता पा रहे हो एड्रेस, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा था तभी ना, अब मैं ये नहीं लिखता तो कैसे बताते ये किसके लिए है, नहीं बता पाते ना। तो ये कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, मतलब मैं यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब ये वेरिएबल की डेफिनेशन, FM क्या है, ये वेरिएबल का नाम, अब FM की वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो वेब पेज है ना,
इस वेब पेज को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, पूरे वेब पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये REG फॉर्म क्या है? ये क्या है, कहाँ दिया था हमने, याद करो, फॉर्म का नाम डिफाइन किया था ना, नेम, नेम डाला था ना। तो ये FM का मतलब है कि इस FM को जब भी FM बोलूँगा ना मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर फॉर्म, राइट। FM मतलब क्या हुआ? पूरा फॉर्म, ठीक है। फिर UN का मतलब क्या है? UN क्या है? यू नेम या यूजर नेम। हमने PWD, SPWD, CPWD कहाँ नाम दिया था? ये जो ऑब्जेक्ट डाले थे ना, ये ऑब्जेक्ट, अब देखो कंट्रोल यू दबा के इसका सोर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ फॉर्म लिखा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू कंफर्मेशन, और नेम क्या लिखा? REG फॉर्म। और यही नाम इधर लिखा है, REG फॉर्म लिखा है ना इधर ही। ये नेम जरूरी है सेम टू सेम होना। यहाँ REG फॉर्म है और मैंने REG फॉर्म एस कर दिया तो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब रॉन्ग, रॉन्ग मतलब ये आपको फिर ये वेरिएबल ये एरर नहीं देता है, कुछ गड़बड़ कर देगा, इसलिए यहाँ पे एरर होने के चांसेस नहीं हो जाएगा। UN क्या है? यूज़र नेम। अब यूज़र नेम के लिए देखो, यहाँ पे मैंने नाम दिया होगा, क्या लिखा है? इनपुट नेम इज इक्वल टू लिखा यू नेम। यू नेम किसके लिए लिखा है? यूज़र नेम के लिए। तो यूज़र नेम ये है, और ये क्या है? ये इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? यू नेम, UN। तो UN का मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्म के अंदर जो यूज़र नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम UN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? UN, ऐसा नाम दिया जावास्क्रिप्ट में मैंने। SP का मतलब क्या है? इस फॉर्म के अंदर जो PWD नाम का पासवर्ड बॉक्स है, तो इसका नाम क्या हुआ? PWD। इसका नाम क्या हुआ? CP, यानी CPWD का नाम शॉर्ट में मैंने नाम दिया CP। जावास्क्रिप्ट को अलग नाम दिए हुए हैं। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है? ये पॉइंट कर रहा है, FM का मतलब फॉर्म, UN का मतलब यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स, SP का मतलब सेट पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, CP का मतलब कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, ओके, AD का मतलब ये एड्रेस बॉक्स। समझ में आया? ये वेरिएबल के डेफिनेशंस को मैंने यहाँ लिंक कर दिया, डिक्लेरेशन को इधर लिंक कर। अब यहाँ इफ़ कीवर्ड लगाया है। इफ़ का मतलब क्या होता है? अगर। क्या लिखा है? अगर UN.value, UN का मतलब यूज़र नेम की वैल्यू, ये क्या लिखा है? इक्वल टू यानी कंपेयर करो, अगर वैल्यू ब्लैंक या नल, ये और का साइन है, दो बार वाइप लगाया ना, इसको बोलते हैं और, ठीक है। यूज़र नेम की वैल्यू ब्लैंक हो या नल हो तो क्या, अगर हो मतलब अभी ये खाली है, ब्लैंक है ना, तो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? अलर्ट, अलर्ट करना, क्या करना? द यूज़र नेम शुड नॉट बी ब्लैंक। जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, यूज़र नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँगा तो वो उस हिसाब से एरर देगा। और उसके बाद क्या लिखा है? UN.focus। फोकस का मतलब जैसे ही देखो ओके दबाया ये इधर आ गया, फोकस मतलब कर्जर वहाँ पे लेके जाओ, तो कर्जर सीधा यहाँ लेके आया, ताकि यूज़र नेम टाइप करो आप ब्लैंक नहीं कर सकते, तो आपने जैसे ब्लैंक की जगह आपने टाइप कर दिया, ठीक है। अब सबमिट कर रहे हैं तो क्या आया? पासवर्ड शुड बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर्स। जैसे ओके दबाया देखो पासवर्ड पे लेके आया कर्जर, तो ये देखो ये क्या लिखा है? इफ़, ये पूरा हो गया ना, इसके बाद रिटर्न फॉल्स लिख दिया मैंने इधर, और ये इफ़ ख़त्म हो गया इधर। अब दोबारा से देखो इफ़ लिखा है, इफ़ SP.value, अब जैसा हमने UN के लिए लिखा ऐसे ही सेट पासवर्ड के लिए लिख रहे हैं, कि अगर वैल्यू ब्लैंक हो या SP की लेंथ लेस देन 4 हो, देखो है ना, वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन 4 या लेंथ ग्रेटर देन 10 हो, यानी ना तो ब्लैंक होना चाहिए, ना 4 से कम होना चाहिए, ना 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर इन तीन में से कुछ भी सिचुएशन हो तो, अगर तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो ये देना, अलर्ट देना, पासवर्ड शुड बी बिटवीन 4 to 10 कैरेक्टर्स, ऐसा एरर देना और उस पर फोकस कर देना। याद रहे यहाँ सेमी कॉलन भी इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पे एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट। लेस देन 4 तो लेस देन 4, लेंथ एक प्रॉपर्टी है राइट, जो वैल्यू की लेंथ को काउंट करता है। वैल्यू किसकी? SP, जहाँ मैंने SP का मतलब क्या हुआ? सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड मतलब ये वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 तो ये एरर देगा, 1 2 3 4 तो एरर नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये अभी दूसरा एरर देगा। अब देखो कंफर्म पासवर्ड शुड मैच, अब ये इसमें से तो पास हो गया, इसमें से भी पास हो गया, अब इसमें अटक गया राइट। कैसे? इफ़ SP.value, यानी जो सेट पासवर्ड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये साइन किस चीज़ का है? नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल टू का साइन है, यानी दोनों इक्वल, दो वाइकल है तो इक्वल टू राइट। अब ये नॉट इक्वल टू, अगर SP.value की
वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सी पी डॉट वैल्यू, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू अगर सेम ना हो, जब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो तो क्या होना चाहिए, तो अलर्ट करो कन्फर्म पासवर्ड शुड मैच, और फिर सी पी डॉट वैल्यू कन्फर्म डॉट पासवर्ड वैल्यू को ब्लैंक कर दो, मिटा दो। अगर ये नहीं मिटाऊंगा तो ये देखो दिखाता हूँ, फिर फोकस। अब जैसे मैंने लिखा 1 2 3, जैसे ही सबमिट किया राइट, ये देखो कन्फर्म शुड मैच ओके, तो देखो मिट गया सारा लिखा था 1 2 3, वो मिट गया ना, क्यों मिट गया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा इज ब्लैंक इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू अगर मैं यहाँ वैल्यू सेट करके बदल दूँ, लेट मी शो यू के वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ 987654, ठीक है, ऐसे लिख दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करके करते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। अब देखो नरेंद्र यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3, जैसे ही सबमिट करता हूँ ओके, देखो यहाँ 6 वैल्यू आ गई, जबकि ब्लैंक होना चाहिए। ये क्यों आई 6, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड में पास किया, समझ में आया। यहाँ क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, ब्लैंक, ताकि वो ब्लैंक हो जाए। 1 2 3 4, 1 2 3, और जैसे ही सबमिट किया ओके किया, वहाँ पे आके कर्सर वहीं ब्लैंक कर दिया, राइट। दिस इज़ बिकॉज हमने यहाँ सेट किया कि अगर सेम नहीं हो तो अलर्ट देना, अलर्ट देके वैल्यू ब्लैंक कर देना और उसको फोकस कर देना, ताकि वापस नया टाइप कर सकें, और फिर रिटर्न फॉल्स कर देना। अभी अब देखो सेम थिंग, अगर ये हो गया पास, कब पास होगा, जब दोनों का सेम होगा 1 2 3 4, अब सेम हो गया, सबमिट करता हूँ तो अभी देखो एरर दे रहा है अलग, एंटर प्रपोज, प्रॉपर एड्रेस आना चाहिए, गड़बड़ आ गया, प्रॉपर एड्रेस प्रपोज लिख दिया मैंने, एंटर प्रॉपर एड्रेस प्रपोज लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं, NARENDRA 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सबमिट किया, आया प्रॉपर एड्रेस ओके, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे एड्रेस अगर वैल्यू ब्लैंक है या लेंथ लेस देन 10 है, यानी 10 कैरेक्टर से कम अगर कोई डालता है एड्रेस में, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया सबमिट, तो क्या बोला है, एंटर प्रॉपर एड्रेस, भाई बराबर एड्रेस डालो, ऐसी कोई एड्रेस नहीं होती है, ठीक है, ऐसा तो ऐसे तो 6 7 8 9 ये भी नहीं होती, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहेगा क्योंकि 10 कैरेक्टर हो गए ना अभी, तो ये जैसे ही सबमिट करेंगे देखो फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये कब चेक हो रहा है, सारी चीज़ें कब चेक हो रही हैं, जब मैं सबमिट कर रहा हूँ, राइट। तो सबमिट क्या हुआ, सबमिट एक इवेंट हुआ, तो देखो ये क्या है मेन चीज, अब देखना ये सब हो गया, सारा खत्म हो गया, स्क्रिप्ट पूरा हो गया यहाँ पे, राइट, स्क्रिप्ट पूरा हो गया, इतना समझ में आया, पहले बताओ पक्का। अब रिटर्न फॉल्स एक तरह से लिखना जरूरी होता है कि इफ़ लिख रहे हैं ना, क्योंकि हमने फॉल्स कुछ बताया नहीं, ये सब अगर ट्रू है तो ये करना, इसलिए रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज हम यहाँ एल्स लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम फॉल्स की डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन अगर फॉल्स की डेफिनेशन बताई नहीं है इसलिए रिटर्न फॉल्स कर दिया, ये फॉल्स हुआ ना इसलिए रिटर्न करा रहा हूँ फॉल्स पर, ठीक है, राइट। अब क्या कर रहे हैं, इस तरह से हमने इसको लिखा है, समझ लो इफ़ लिखा है तो रिटर्न फॉल्स लिखते हैं, क्लियर पक्का, हर जगह एफ में रिटर्न फॉल्स लिखा है, देखो एंड में। हाँ सर, वो फंक्शन वैलिडेटिंग न्यू फॉर्म है, वो डिफाइंड फॉर्म में जाएगा ना। अब देखो बता रहा हूँ ना, फॉर्म वैलिडेट फॉर्म है ना, अब इस फंक्शन को कॉल करना बाकी है ना, ये डिफाइन किया ना हमने। अब देखो इस ये कब रन होगा, अब देखो ये सोर्स में आए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल यू करके इसका सोर्स दिखाता हूँ, ध्यान से देखो ये क्या किया है, ये जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँ, देखो क्या लिखा है, ये पता चल गया फॉर्म एक्शन क्या है, कन्फर्मेशन डॉट यू एचटीएमएल, जब सबमिट करते हैं तो पेज खुल जाना चाहिए, पता चला ना ये, ठीक है ना, ये भी पता चला पोस्ट, ये भी पता चला नाम क्यों दिया, पता चल गया, राइट। अब सब जगह हमने जहाँ जहाँ नाम दिया पता चल गया क्यों नाम दिया, यू नेम, और इसके बाद PWD CPWD यूज़ किया ना अभी हमने जावास्क्रिप्ट में, राइट, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया हुआ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जैसे सबमिट किया, इनपुट टाइप सबमिट लिखा, वैल्यू सबमिट हुआ, अब ये देखो क्या है, ऑन क्लिक, क्या लिखा है, जब मैं क्लिक करूँ तो क्या करो, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म क्या है, वैलिडेट फॉर्म क्या है, ये वैलिडेट फॉर्म है आपका फंक्शन का नाम, राइट। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से देखो अभी, ऑन क्लिक, किसको क्लिक करूं, सबमिट है ना, ऑन क्लिक द सबमिट बटन, व्हाट शुड डू,
यू गो एंड आस्क फॉर वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट को ऑर्डर दिया जाओ और ये सारी वैलिडिटी चेक करो, ये सारी चीज़ें चेक करो, सब कुछ ओके है, राइट, सब कुछ ओके है तो ही सबमिट होने देना और तो ही एक्शन यूआरएल पे जाना, अदरवाइज अलर्ट दे देना। ये आपका है जावास्क्रिप्ट का सिंपल काम। अब बताओ कोई चीज़ इसमें हो जो समझ में नहीं आई हो? समझ में आया? अब क्या दिक्कत है कि ये कोड कैसे करें, आपको है कि कोड कैसे करेंगे, तो ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है ही नहीं। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया सारा, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, अब इसको मैं वीडियो को लाइव भी कर दूंगा और इस कोड को इस वीडियो की स्क्रिप्ट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके डाल भी देना, अपने पूरा कोड भी डाल दूंगा, ये वाला फॉर्म का पूरा फॉर्म डाल दूंगा, राइट, ये वाला पूरा का पूरा है ना, ये सारा सोर्स कोड डाल दूंगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके समझना, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, कॉपी पेस्ट कर लेना, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सवाल है तो पूछो पूछो पूछो, जल्दी कर रहे ना जावास्क्रिप्ट की, अब बोलो ना। यहाँ पे एक बात दिखाता हूँ, हमको क्या लगता है मेरी मिस्टेक नहीं है कोडिंग में, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ बेटा, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, राइट, मुझे नहीं पता होगा। अब देखो छोटी सी गलती भी दिखा देता हूँ मैं, राइट, छोटी सी गलती, ये एक सिंगल इक्वल टू कर दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना, डबल इक्वल टू सिंगल कर दिया, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है, ये ऐसा कर दिया, ठीक है, अब देखो क्या होता है, सेव करता हूँ, अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, क्या हुआ? अब मुझे बताओ इतने बड़े कोड में एक छोटी सी गलती की वजह से सारा प्रोग्राम कैसे हो गया? तो मिस्टेक बेटा बोलना आसान है कि सर मैंने चेक कर लिया है, बहुत ध्यान से चेक किया है, बेटा यहाँ तो भाई एकदम बाज की नज़र चाहिए, राइट, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए ज़बरदस्त, छोटी सी छोटी गलती होती है ना, छोटी सी छोटी गलती यहाँ पे आपको गड़बड़ कर देगा, अंडू कर दिया ना मैंने, हाँ ठीक है, हाँ अब छोटी सी गलती के लिए आप देखो अलर्ट कहाँ आया बताओ ना मुझे, कहाँ आया? अब देखो आया ना, अंडू किया तो ठीक हो गया ना, अब जैसे ही वहाँ छोटी गलती कर दी उसने कंप्यूटर का, जावा के हिसाब से, जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ओके है, जाने दिया उसने, अलर्ट नहीं दिया। इसलिए छोटा सा छोटा एक 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 स्पेलिंग की मिस्टेक भी दिखा देता हूँ, चलो एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है ना, छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, वैलिडेट फॉर्म एम हटा दिया, ठीक है, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, सबमिट किया, बताओ टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती? अब बताओ, आप बोलो कि मैंने क्या चेक किया क्या नहीं चेक किया, जरा बता दो, इतना सब इतना ध्यान से चेक किया, तो वही तो बोलो, आपने सिर्फ एक नेम की, मैंने इतना सारा दिखाया आपको, तो इसमें तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं गलती के, यहाँ पे प्रिसाइसली 100% ओके होगा तो ही ओके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई सवाल है अभी भी? प्रैक्टिस करनी है ना, करो, मैं इसको अभी लाइव कर देता हूँ वीडियो पे, ठीक है।